दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेलवे में आरपीएफ के लिए 9500 वैकेंसी की घोषणा की गई है, जो कि अप्रैल मंथ में आने की संभावना है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएफ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कितनी हाइट होना चाहिए, कितना दौड़ना पड़ता है। तो उस सब जानने के लिए आप हमारे चैनल पांडे गुरुजी में बने रहिए, और हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं कि ये हमारा देखते हैं कि आप ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि धर्मेंद्र कुमार आईपीएस है, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ आरपीएफ। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है हुआ है कि आपका रिक्वायरमेंट का प्रोसेस क्या है आरपीएफ का, उसमें हाइट कितनी है। तो ये पक्की खबर है, मैं आपको झूठी खबर नहीं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जो भी स्टूडेंट आरपीएफ में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसको ये बहुत ज़रूरी जानना है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, हाइट कितनी होनी चाहिए, रन कितना करना चाहिए। तो क्योंकि आरपीएफ का एक पुलिस की जॉब होती है, तो इसमें आपको फिजिकल फिटनेस होना बहुत ही ज़रूरी है इसमें सिलेक्शन पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये www.indianrailway.gov.in में आप देख रहे हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे का है। उसके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा आरपीएफ रूल 1987 अपलोडेड अप टू मार्च 2018। आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ को डाउनलोड होगा। तो पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर और डिटेल और पेज। तो यहाँ पे हम लोग का रिक्रूटमेंट का ट्रेनिंग का करियर प्लानिंग का देखना है। बाकी का आपको आरपीएफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप उसमें इच्छुक हैं, तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बताऊँगा कि रिक्रूटमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आरपीएफ का। तो यहाँ पे देख रहे हैं 27 पेज नंबर पे है चैप्टर 5 में। तो मैं पीडीएफ को डाउनलोड कर किया हुआ हूँ, तो आपको वहाँ पे ले जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चैप्टर 5 है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड करियर प्लानिंग। रिक्रूटमेंट के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू बी सेल बी मेड एट द लेवल ऑफ कॉन्स्टेबल, सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट कमांडेंट एंड ऑल अदर पोस्ट सेल बी फील्ड बाय द प्रमोशन और अदर लिमिटेड डिपार्टमेंट कंपटीशन फॉर अमॉन्ग द एलिजिबल एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स बाय द टेकिंग पर्सनल एंड इंडिविजुअल इन द अकॉर्डिंग विद द रूल। तो ये बेसिकली रूल दिया हुआ है आरपीएफ के लिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रूल में सबसे पहला बताते हैं कि इलिजिबिलिटी क्या है, मीन्स जिसमें आप बाहर हो जाएंगे, मतलब आप इलिजिबल नहीं है। हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हु हैज इंटर इनटू ए कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग, मीन्स जो भी कॉन्ट्रेक्टेड मैरिज होगा वो भी इलिजिबल होगा। हु हैविंग ए स्पाउस लिविंग हिज इंटर इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज विद एनी पर्सन, मीन तो ये बेसिकली ये है जो जिसमें आप एलिजिबल नहीं है। तो उससे पहले मेन होता है कि हाइट कितनी चाहिए। तो हाइट के लिए फिजिकल फिटनेस के लिए आपको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंडेबल मीन्स जिसको बोलते हैं खींच के 85 सेंटीमीटर को आपको चेस्ट करना है। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, ताकि आप इस रिक्रूटमेंट के लिए आप एलिजिबल होंगे। आगे देखते हैं कि उसके प्रोवाइडेड द पर्सन हु हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 20 इयर्स ए सिलेक्शन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 5 सेंटीमीटर इन मीन्स, आपको एज के अकॉर्डिंग आपको भी कुछ हाइट का और उसका दिया जाएगा। तो आप बेसिकली इस डॉक्यूमेंट को आप रीड कर सकते हैं, आप पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे दूसरा एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो एक कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट हैव 20 ईयर्स बट लेस देन 25 ईयर्स, मीन्स ये जनरल कैटेगरी के लिए होता है, 20 साल या 25 साल से कम होना चाहिए, तो आपको इस पर एलिजिबल हो सकते हैं। और आपके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। वैसे कांस्टेबल का है, तो कांस्टेबल के लिए भी तो डायरेक्ट 18 से 25 ईयर तक का एज होना चाहिए, और पास आउट हाई स्कूल वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं
कॉन्स्टेबल एग्जामिनेशन को अप्लाई करने के लिए। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप कंप्लीट इसको डिटेल पढ़िए। अब यहाँ पे दिया हुआ कि प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, प्रोसेस कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे क्या रिक्वायरमेंट होता है, कितने तरह के एग्ज़ाम होते हैं, ये सारे मेंशन है इस पीडीएफ फाइल में। तो आप पीडीएफ फाइल को वन बाय वन लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं और क्या क्या अपॉइंटमेंट का स्पेशल केसेस होता है, कैसे अपॉइंटमेंट क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किसमें हार्ड कोर्ट रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि पुलिस में मेडिकल का बहुत ही ज़्यादा मायने रखा जाता है कि आप मेडिकल में थोड़ा सा भी डैमेज हुए तो आपको फिजिकल फिटनेस के रूप पे आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि एक पुलिस की जॉब होती है और एक इसलिए आपको 100% मेडिकल फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। वेरिफिकेशन का लिया हुआ एजुकेशन और एग्रीमेंट क्या क्या है, तो ये सारे चीज़ कोर्ट कोड ऑफ सुप्रियर ऑफिसर एट द फोर्स, तो ये बेसिकली आप सारे चीज़ यहाँ से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो आपको बेसिकली थ्री चीज़ जो मैं बताने का कोशिश कर रहा था वो बता दिया। आप इस पीडीएफ को शुरू से अंत तक देखिए, कहीं पे कोई भी कुछ भी लाइन में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।